कल कपड़ा बाजार खुलने से पहले 24 प्रमुख कपड़ा मार्केटों के बाहर नगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और बाउंसर तैनात किए गए थे। यह मार्केट के दोनों गेटों पर तैनात थे। वह मार्केट में आने वालों से आरटीपीसीआर टेस्ट या वैक्सीन लिए होने की सर्टिफिकेट मांग रहे थे। 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यापारी और कर्मचारी जो बिना वैक्सीन या आरटीपीसीआर प्रमाण पत्र के आए, उन्हें मार्केट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। मनपा के इस कदम से कई व्यापारियों को प्रवेश नहीं मिला। व्यापारियों का कहना है कि आरटीपीसीआर परीक्षण की रिपोर्ट 3 दिनों के बाद आती है। ये देखते हुए बाजार को बंद नहीं किया जा सकता है। फोस्टा के नेताओं ने सुझाव दिया है कि बाजार में 5 से 6 रैपिड टेस्ट केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए और स्वास्थ्य विभाग को भी तेजी से परीक्षण की अनुमति देनी चाहिए। फोस्टा ने नगर पालिका आयुक्त को ज्ञापन देकर मांग की है कि कपड़ा बाजार में 50% से अधिक व्यापारियों और श्रमिकों की आयु 25 से 45 वर्ष के बीच है, उन्हें टीका लगाया जाना चाहिए। नगर पालिका द्वारा आरटीपीसीआर परीक्षण मुफ्त में किया जाता है, इसकी एक सूची बनाकर क्षेत्र में रखी जानी चाहिए। रिंग रोड के अलावा सरोली और पुणे के बाजारों में भी टीकाकरण केंद्र शुरू किया जाना चाहिए।